बैकग्राउंड में जो वायर देख रहे हैं ये 11,000 का वायर है, और जो इसका हाइट था वो जब से इसको इंस्टॉल किया गया था इस एरिया में इसका हाइट बहुत ही कम था, या और इधर से जितनी भी गाड़ियाँ जाती थी, लोग जाते थे, वो हमेशा दहशत में रहते थे कि कभी भी वायर जो है उस वायर से कोई भी ऑकरेंस या कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लगातार 3 सालों से जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उनको लगातार अवगत कराया जा रहा था, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी। लगातार यहाँ के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस वायर का जो स्थिति है उसको बदला जाए, जो वायर का जो हाइट है उसको चेंज किया जाए, या जो वायर जो है जो बहुत ही पुराना हो गया है उसको चेंज किया जाए। 3 सालों से लगातार लोग कोशिश कर रहे थे कि इस वायर को चेंज करा दिया जाए, लेकिन इस पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा था। और देखिए किस तरह से एक ट्यूट ने कमाल किया, और इस ट्यूट के चलते पूरा का पूरा जो वायर है, जो कनेक्शन है 11,000 का, उसको चेंज कर दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब छोटे अधिकारी बातों को नहीं सुनते हैं तो हार थक कर लोग जब ट्यूट करते हैं, या लोग जब बड़े अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो जो बड़े अधिकारी हैं वो सुनते हैं, जैसे कि लोग बात करते हैं कि अधिकारी बात। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मेरा नाम स्वराज सिंह है और आप समय सिवान देख रहे हैं। इस वक्त हमारी उपस्थिति सिवान जिले के हसनपुरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में है। ये जिस जो इलाका है, ये थाना जो है MH नगर जो परिसर है उसके ठीक पीछे एक गली जाती है, जो वार्ड नंबर 12 का एरिया है, वहाँ पे हमारी उपस्थिति है। और आपके मैं बता दूँ कि जो स्क्रीन पे आप मेरे बैकग्राउंड में जो वायर देख रहे हैं ये 11,000 का वायर है, और जो इसका हाइट था वो जब से इसको इंस्टॉल किया गया था इस एरिया में इसका हाइट बहुत ही कम था, या और इधर से जितनी भी गाड़ियाँ जाती थी, लोग जाते थे, वो हमेशा दहशत में रहते थे कि कभी भी वायर जो है उस वायर से कोई भी ऑकरेंस या कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लगातार 3 सालों से जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उनको लगातार अवगत कराया जा रहा था, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी। लगातार यहाँ के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस वायर का जो स्थिति है उसको बदला जाए, जो वायर का जो हाइट है उसको चेंज किया जाए, या जो वायर जो है जो बहुत ही पुराना हो गया है उसको चेंज किया जाए। लगातार 3 सालों से लोग कोशिश कर रहे थे इस वायर को चेंज करने का, लेकिन इस पे कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा था। और पिछले 1 हफ्ते पहले हमारी टीम ने एक ट्वीट किया था, जो एक्स प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उससे एक ट्वीट किया गया था, और जो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो ट्विटर पे एक्टिव है उसको टैग किया गया था। उसके बाद से जो कंपनी है, जो कंपनी के जो अधिकारी हैं वो इस ट्वीट को संज्ञान में लेते हैं, और उनके द्वारा देखिए स्क्रीन पे जो ट्वीट आपको दिख रहा है वो ट्वीट हमारी टीम के द्वारा किया गया था, और ट्वीट के नीचे देखिए किस तरह से कंपनी ने जो है इस ट्वीट को संज्ञान में लेकर आश्वासन दिया था कि जो प्रॉब्लम है थाना के पीछे वार्ड नंबर 12 में, जो वायर का जो प्रॉब्लम है उसको डिजॉल्व किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, वायर को बदला जाएगा। और देखिए स्क्रीन पे आज यहाँ पे जो कंपनी के जो लोग हैं, बिजली विभाग के जो लोग हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और जो पूरा वायर है वार्ड नंबर 12 का, जो जिसका हाइट भी कम था, वायर भी पुराना हो चुका था, उसको यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। टोटल जो है लगभग 400-500 मीटर का एरिया है, और पूरे वायर को चेंज किया जा रहा है। 3 सालों से लगातार लोग कोशिश कर रहे थे कि इस वायर को चेंज करा दिया जाए, लेकिन इस पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा था। और देखिए किस तरह से एक ट्यूट ने कमाल किया, और इस ट्यूट के चलते पूरा का पूरा जो वायर है, जो कनेक्शन है 11,000 का, उसको चेंज कर दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब छोटे अधिकारी बातों को नहीं सुनते हैं तो हार थक कर लोग जब ट्यूट करते हैं, या लोग जब बड़े अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो जो बड़े अधिकारी हैं वो सुनते हैं, जैसे कि लोग बात करते हैं कि अधिकारी बात को नहीं सुनते हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, वो बातों को सुनते हैं, और वो जो समस्याओं को समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। और कुछ इसी तरह का जो स्थिति है वो हम लोगों के जो समस्या था हम लोगों का, उसमें देखने को मिल रहा है। IAS
लेबर के जो अधिकारी हैं वो बिजली विभाग के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। और देखिए किस तरह से आईएएस अधिकारी ने संज्ञान में लिया और पूरा का पूरा वायर जो है इसको आज चेंज किया जा रहा है। ठेकेदार साहब आए हुए हैं, पूरा बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सुबह से ही इन लोगों के द्वारा इस 11,000 वायर को चेंज किया जा रहा है। अब सबसे पहले समय सिवांग की तरफ से आप सभी जितने भी अधिकारी हैं या जो बढ़िया अधिकारी हैं जो इन बातों को सुने और इसको चेंज कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय रहते एक बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। या अगर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो कभी भी बड़ी दुर्घटना इस एरिया में हो जाता और हो सकता था कि भारी जान माल का नुकसान भी इस एरिया में हो जाता। लेकिन देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वायर को यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। सभी धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हमारी टीम भी है जो ट्वीट की थी और ट्वीट के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो पाया। चलिए वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा नाम सौरभ सिंह है, कैमरे के पीछे रितेश कुमार है और आप समय सिवान देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।